ऐसे ही एक दोस्त ने अचानक एक बात ऐसे ही मजाक में कही कि यार तुम अच्छा गाते हो, तुम्हें रेडियो पे जाना चाहिए। बस वो बात जहन में बैठ गई। तो फिर ऐसे ही मेरे एक दोस्त थे, उनके बड़े भाई थे जो एक रेडियो में जॉब करते थे, काम करते थे। तो हम ऐसे ही उनसे मिलने गए, ऐसे ही बस बातों बातों में जिक्र हुआ। मैंने उनसे कहा कि मुझे इंटरेस्ट है, उन्होंने भी बात की। चूँकि मेरा मैं माइक से ज़रा फेमिलियर था, डिबेट कॉम्पिटिशन्स वगैरह, गाना वगैरह, तो मुझे इतनी ज़्यादा हेजिटेशन या कह लें कि मैं ज़्यादा झिझक नहीं हुई। बहरहाल वहाँ तो नहीं, लेकिन मेरे अपने शहर में, पंजाब में जहाँ मैं रहता था, मैं बेसिकली रहीम यार खान से हूँ, तहसील सादिकाबाद। तो वहीं से आपने रेडियो स्टार्ट जी किया था? स्टार्ट मैंने वहीं किया, आवाज़ एफएम, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रुप है रेडियो का, तो वहाँ मैंने स्टार्ट किया। बस वहाँ मैं गया, ऑडिशन दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह के करम से। कौन से वक्त का शो करते थे? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर टाइम स्लॉट किया, मॉर्निंग से लेकर रात देर तक के शायरी वाले। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में आई हैव बीन वेरी लकी, मेरी लिसनरशिप जो थी वो उसमें ख्वातीन की तादाद हमेशा ज्यादा रही है। और एक तजस्सुस होता था कि ये जो एक मधुर सी आवाज है उसके पीछे है कौन। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। हम खुद, मैं भी जब स्कूल में था या कॉलेज में था तो रेडियो मैं भी सुनता था, उसी से ही मेरे अंदर भी यू नो एक शौक पैदा हुआ कि यार मुझे भी करना चाहिए। तो बहरहाल बस वहाँ ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हो गई, फिर वहाँ मैंने रेडियो स्टार्ट कर दिया। 3-4 साल मैंने वहाँ किया, वहाँ पे कर करके मैं बोर हो गया, मुझे लगा उसके बाद कुछ और ज़्यादा, मतलब जितना मैं वहाँ पे जो कुछ अचीव कर सकता था लिसनरशिप वाइज, वैसे भी स्पॉन्सर्स भी देख ले तो मेरे रेडियो शो के स्पॉन्सर्स भी ठीक ठाक होते थे, लिसनरशिप भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, तो फिर वहाँ पे और कुछ अचीव करने को नहीं था। तो फिर मैं वहाँ ज़रा बोर होने लग गया, फिर मुझे ऐसे ही मेरे हमारे डॉक्टर साहब दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा यार, मैं उन दिनों रेडियो पे ख़बरें भी पढ़ना शुरू हो गया था, तो उन्होंने कहा यार तुम ख़बरें बहुत अच्छी पढ़ते हो तो तुम्हें तो किसी बड़े शहर जाना चाहिए, आजकल न्यूज़ चैनल्स में ज़रूरत पड़ती रहती है न्यूज़ एंकर्स की। बस वो बात भी जहन में बैठ गई। तो फिर मैंने ज़रा कराची आने के लिए कोशिशें की, फिर मैं कराची आ गया। 14 के स्टार्ट में, जनवरी या फेब में मैंने 103 पे रेडियो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इस वक्त आप इंजीनियर बन चुके थे? जी हाँ, मैं एग्ज़ाम दे चुका था लास्ट ईयर के, हाँ हाँ, बल्कि 2010 में मैं वो इंजीनियरिंग तो मैं कर चुका उसके था। 3 साल बाद आप कराची आ गए? 4 साल बाद। ठीक हाँ, है, 4 साल यहाँ पे आप मस्त एफएम 103 पे आए? जी हाँ, मस्त एफएम 103 पे मैंने रेडियो स्टार्ट किया, बहुत अच्छे दोस्त मिले और बहुत अच्छे मेंटर्स मिले, फिर जॉब भी यहीं। जी हाँ, फिर यहीं जॉब भी मैंने की, यहीं रेडियो पे मैंने खबरें भी पढ़ी, रेडियो शोज भी। बिल्कुल कराची वाले हो चुके हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर एक्सेंट या प्रोनंसिएशन है ये बहुत हेल्प करती है इंसान को आगे बढ़ने में, क्योंकि फिर कोई हिंड्रेंस नहीं है। जब तक आप असर्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए उतने ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते जितना कि एक असर्टिव कम्युनिकेशन के स्किल वाला शख्स जितना कामयाब हो सकता है। तो कम्युनिकेशन इज यू नो इज द की। That is true. अच्छा, अब आते हैं, पहले आप रेडियो पे आए, फिर न्यूज एंकरिंग की तरफ। आपको किसी को आपको मशवरा दे देते, भाई इनको सोच समझ के मशवरे दें, इनको कोई मशवरा देते हैं तो ये बिठा लेते दिमाग में एंड इट गेट्स ऑन हिज लिस्ट और उसको चेक करना जरूरी हो जाता है। मेरे पास एक प्लान था, मुझे पता था मुझे करना क्या है। कराची आते ही सबसे पहले मैंने कराची का एक यू नो वन ऑफ द टॉप रेडियो स्टेशंस ज्वाइन किया और बड़ी जल्दी मैंने वहाँ पे न्यूज रूम में भी जगह बना ली। तो फिर वहाँ पे मैं कॉपी न्यूज़ लिखता भी खुद था, बनाता भी खुद था और पढ़ता भी खुद था। अरे वाह। तो उससे क्या हुआ कि मुझे थोड़ा न्यूज़ सेंस भी मेरी बेहतर हो गई। तो रेडियो पे खबर पढ़ने से मुझे मेरा जो एक लाइव खबर पढ़ना का जो कॉन्फिडेंस था वो बहाल हो गया। अब जब मैं टीवी के लिए गया, टीवी पे खबरें पढ़ने गया, तो मुझे उतनी मुश्किल नहीं हुई जितनी कि फ्रेश स्टूडेंट्स को होती है। तो रेडियो से मैं वो ट्रेनिंग अपनी ऑलरेडी, मुझे पता था मुझे करना क्या है, जाके प्रॉम्प्टर पे खबर फेस द कैमरा, बस इतना था। जी हाँ, डिफरेंस था। एग्जैक्टली, तो मुझे प्रॉम्प्टर के लिए खुद को तैयार करने के लिए पहले से मुझे पता था। तो फिर मैं क्या करता था, हमारे यहाँ ये होता था कि न्यूज रूम में प्रिंट आउट्स निकालते थे हम, न्यूज बना के तो प्रिंट आउट्स लेके जाते थे और प्रिंट आउट से पढ़ते थे। लेकिन मैं प्रिंट आउट्स नहीं निकालता था, मैं वही न्यूज़ की फाइल जो है वो कॉपी करता था ऑनियर के पीसी में और वहाँ जाके पीसी पे स्क्रीन पे खोल के मैं स्क्रीन से पढ़ता था ताकि मेरी प्रॉम्प्टर की प्रैक्टिस हो जाए। तो वो मैंने अपने स्किल पे काम करना तभी शुरू कर दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा मुझे चीज़ों का समझ आना शुरू हुआ, मुझे पता चला कि किस तरह से आपको कांटेक्ट करना है, किन से बात करना है, ऑडिशन के लिए जाना है। तो फिर इस तरह करते करते शुरू में मैंने थोड़ा स्ट्रगल की, लेकिन इवेंचुअली एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। एंड यू आर स्टिल अ न्यूज़ एंकर? जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग ये सारे काम, जितने भी आवाज़ से रिलेटेड, एक तो क्रिएटिव काम है और क्रिएटिव काम मुझे हमेशा से बड़ा फैसिनेट करता है। तो उसमें बहुत सारा यू नो आपको बड़ी
आपको कोशिश करना होती है, चैलेंजिंग एक काम है, इतना आसान नहीं है जितना लगता है कि बस बोलना ही है, लेकिन बोलना क्या है, क्योंकि हमें वो जो रेडियो जो आरजे होता है वो इतनी ईज से पूरा अपना परफॉर्म करके चला जाता है कि हमें लगता है कि ये आसान है ना, लेकिन उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, जाहिर है। उसके लिए एक तो कंटेंट आप आपका इंटरेक्शन बड़ा जबरदस्त रहता है आपके लिसनर्स से, तो एक पर्सनल मीडियम है। फॉर एग्जांपल आपको फॉरेन आपको इंस्टेंट आपको फीडबैक भी मिल रहा है, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको कॉल्स मिल रही हैं। थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, पहले सिर्फ आवाज होती थी, अब हम देखते हैं फेसबुक पे लाइव, YouTube पे लाइव, ये कुछ अरसे से चेंज आया है, आपका क्या इस पे टेक है? Is it a good change? मेरे ख्याल से ये जितना जल्दी रेडियो कर ले उतना अच्छा है। एक दो चैनल्स कर रहे हैं? बहुत सारे चैनल्स कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स कर रहे हैं, इनफैक्ट अब तो वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है, ये कल्चर शुरू तो वहीं वेस्ट से ही होता है। तो पॉडकास्ट ही हो गए? नहीं, पॉडकास्ट भी, और दूसरा ये नहीं, रेडियो की लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही होती है, वेब स्ट्रीमिंग, बहुत सारे रेडियोज जो हैं वो वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, आप उनकी बाकायदा वेब लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा लेट आया। अब क्या है कि अब सोशल मीडिया का दौर है, तो जितने रेडियो स्टेशन सक्सेसफुल हैं या जितने ज़्यादा नज़र में हैं वो सारे सोशल मीडिया के थ्रू हैं, लोग सुनते हैं, गाड़ियों में सुनते हैं, या जो पुराने सुनने वाले हैं जिनको वाबस्तगी है जिनकी पुरानी, तो वो आज भी सुनते हैं। लेकिन लिसनरशिप ऑब्वियसली कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब जितनी जल्दी शिफ्ट करेंगे सोशल मीडिया पे जितने भी रेडियो स्टेशंस हैं उतना जल्दी उनको फ़ायदा होगा, और समझने में मेरा ख्याल जितनी जल्दी कर लें उतनी अच्छी बात है, सोशल मीडिया ही जो फ्यूचर है, तो आप जितनी जल्दी सोशल मीडिया पे, अब तो खैर तकरीबन सभी रेडियो स्टेशंस आरजेज इंडिविजुअली भी वो फेसबुक लाइव करते हैं, अब तो रेडियो स्टेशंस के भी अपने फेसबुक पेजेस हैं सारे, तकरीबन सभी रेडियो स्टेशंस के, तो वो भी फेसबुक लाइव के थ्रू, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू।